आप सिर्फ मेरे पेज पे नहीं बल्कि बहुत से पेजेस पे इसको देख सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ इंग्लैंड में, ना सिर्फ अमेरिका में, बल्कि कनाडा में भी आप इस वक्त इस स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. सो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने मेरी कॉल के ऊपर मेरी बात को सुना और इनकी आवाज़ को अपने मुल्क में भी पहुँचाया. सो थैंक यू सो वेरी मच. तो जी, अगला कलाम जो है वो एक और इनसे सुनते हैं. और प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने. और जनाब, अगला आप क्या सुनाने वाले हैं? उर्दू का कलाम है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे. वाह 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 वाह, बड़ा खूबसूरत कलाम है. हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है. और अब आप ये कलाम सुनिए और मुझे उम्मीद है कि आपके ऊपर एक सहर तारी हो जाएगा जब आप ये कलाम सुनेंगे. और इस कलाम के जो लफ्ज़ हैं, इस कलाम की जो शायरी है वो इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं. तो यकीनन आप इसको सुनेंगे और आप इंजॉय करेंगे और तसव्वुर मदीना पाक कर लीजिए अपनी आँखों में, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर, आपकी हाज़िरी वहाँ पर भी होगी. तो अगली आवाज़ जो है वो शाहिद भाई की. शाहिद भाई, प्लीज़ जरा मेरी ऑडियंस को जरा थोड़ा सा गर्मा दीजिए अपनी खूबसूरत आवाज से. बहार आ
माशाल्लाह माशाल्लाह हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है। क्या बात है, क्या बात है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपको सुन रहा हूँ और यकीन कीजिएगा कि मैं उस शहर में पहुँच गया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और उम्मीद करता हूँ और बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे सामईन हैं, हमारे देखने वाले हैं, वो भी आपकी आवाज़ से इस वक्त बहुत लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे। तो शाहिद साहब, ऐसे तो आपको नहीं हम जाने देंगे, अभी तो मैं देख रहा हूँ 33 मिनट हो चुके हैं आपको लाइव और 4 कलाम आपने पढ़े अभी, क्योंकि लोग आते जा रहे हैं। रिक्वेस्टें भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो रिक्वेस्ट इंशाल्लाह हम लेंगे, ज़रूर लेंगे। हम अपने सामईन को बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे और ये सिलसिला अब चलता रहेगा, रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी आप सुनते रहेंगे। तो थोड़ा सा शाहिद साहब से बात करते हैं। शाहिद साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या कैसा लग रहा है आज आपको ये स्क्रीन, क्योंकि इस वक्त आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में भी लोग देख रहे हैं, TV4 पे आपको देखा जा रहा है। और TV4 हमारा बड़ा अच्छा कनाडा का एक TV है जो हमारे अरशद भाई और हायमा जी चलाती हैं, तो उनको भी आप थैंक यू बोलें कि वो आपकी इस लाइव स्ट्रीमिंग को वहाँ पे चला रहे हैं। ज़रा कुछ आप अपने जी। अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है जी? बहुत खुशी है और आपको बहुत थैंक यू कि आपने मेरा लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो Channel 4 पे इधर चला रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा नाते सुन के। और
और इसके बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ जो है वो इंग्लैंड में स्टार 9 पे भी ये इस वक्त आप ऑन एयर है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई का। और शायद भाई क्यों ना एक और कलाम हो जाए, क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें? मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा है। चले मैं इस कलाम के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये कलाम मेरे वालिद साहब पढ़ा करते थे, और ये आप ये समझ लीजिए कि ये हमें विरासत में मिला, ये कलाम जो है ये मैं भी कहीं जाऊं जहां भी मैं जाता हूं मैं ये ज़रूर पढ़ता हूं, मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आंदा है। तो आज आप सुनिए शाहिद साहब की आवाज़ में और लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए। मेरी सरकार हर वेले मदीना याद आउंदा है दिल नू Hey.
ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਖਾਨ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਇਸ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪਸ ਮੇਂ ਡਾਲੀਏ। ਤੋ ਫੀਡਬੈਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ। ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਇਨਕੋ ਸੁਣੀਏ, ਇਨਕੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਅਗਲਾ ਕਲਾਮ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਕੌਨ ਸਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆਪ ਕਲਾਮ? ਮੈਂ ਕਿ ਬੇਮੂ ਕਤਰ ਬੇਮਾਇਆ ਹੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਂ ਚਲਾ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਕੇ ਪਾਪਾ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਬਲਕਿ ਸਭੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਸਭਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਅਵਲ ਹਮ ਸਲਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਕਿਉਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਕੀ ਦੋ ਅਸ਼ਾਰ ਆਪਕੋ ਸੁਣਾਏਂਗੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਂਗੇ। ਤੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਕਿਉਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਕਿਉਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋਇਆ ਏ, ਸਰਗੀ ਦਾ ਉਠ ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹੁ ਕਿਉਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋਇਆ ਏ, ਸਰਗੀ ਦਾ ਉਠ ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣੇ। ਉੱਚੀ